सुल्ताना। जी भाभी जान। तू ही समझा, अल्लाह जिंदगी करे मेरे शानी पुत्र को, शादी के लिए राजी हो जाए। मैं कब तक जिंदा रहूंगी उसके लाड उठाने के लिए। भाभी जान, मैं तो शानी और आदिल के कब से पीछे पड़ी हुई हूँ कि भई अपना अपना घर बसा लो। एक आपका पल्लू नहीं छोड़ता और दूसरे को लोगों के दर्द नहीं छोड़ते। नहीं रिया गया ना, दिखाई गई तू भी चाची वाली खसलत। अगर दूसरे लोगों से ज़्यादा मेरा पुत्र मेरा हेज करता है तो इसमें तेरे पेट में दर्द क्यों होती है। अब अगर रब ने तुझे औलाद नहीं दी तो इसमें हमारा क्या कसूर है। भाभी जान, ताना तो इंसानी नुक्स का बनता है, ये तो मेरे अल्लाह की रज़ा है। और फिर जब से आदिल को पाला पोसा मुझे कोई औका नहीं रहा। चंगा किया मुझे याद करा दिया तूने आदिल का। मैं आदिल पुत्र से बात करूंगी, बचपन का दोस्त है उसका, भाइयों जैसा, वो समझाएगा उसे। खीमिए, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं ना, तेरे कान इधर ही लगे होते हैं। चावल भिगोए? नहीं बेजी। छड़ मसाला, जा जाके चावल धो के पियो नवे ने। जी। भाभी जान, शानी आपका नहीं मेरा भी बच्चा है, मगर वो बच्चा काफी बड़ा हो गया। हंसी उड़ाते हैं लोग उसके बचकाने की। अच्छा खासा बड़ा लड़का है। चूल्हे में गए लोग और साथ तू, जलते हैं सब मेरे शानी पुत्र से। बशीर बाबा। जी बेजी। वो फकीर मोहम्मद को कहना अब एक हफ्ते का कट्ठा घोड़े का दाना ले ले, बार बार तंग करने हवेली आ जाता है। ठीक है बेजी। हो हाय नी छीमिए, तू मेरे मगरे मगरे ही आ गई है, सारी सफाई छड़ के। डंडी मारन तो बाज ना आई तूगी। टेंशन ना लो बेजी, हम डंडी मार के कहाँ जावे हैं, अभी जाके सारी सफाई कर देती हूँ। ठीक कहती है छीमिए, हमने कहाँ जाना है बेजी। 40 साल हो गए आप लोगों की खिदमत करते करते। अब कल ही की बात है, देखिए ना, दोनों बहू रानियाँ मेरे सामने ब्याह के आई हैं इस घर में और बेवा भी हो गई बेचारियाँ। हाय हाय बशीर बाबा, बेचारियाँ होंगी हमारी शरीकनियाँ। ए हम तो आज भी 20 बंदों को खाना खिला के ना फिर खुद खाते हैं। बात कुछ सोच समझ के किया करो। अब बुजुर्गों में तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। जाओ जाके ड्राइवर को कहो गड्डी साफ करे, जाना है मंडी सौदा लेने के लिए। ठीक है बीजी, लेकिन मैं कह रहा था कि छोटी मोटी जिम्मेदारियां जो है ना वो शानी बाबा को दे दिया करें। आप कहाँ तक अब। बस बस बशीर बाबा, जब तक मैं जिंदी हूँ ना और मेरे में ताकत है, मैं ये सारे काम खुद करूँगी। और फिर मेरे अल्लाह जिंदगी करे शानी पुत्र को जिम्मेदारी का पता क्या है। अब आज के बाद कोई मेरे पुत्र को मुंह में न लाए। चल तू मेरे, चल लगे जी, चल लगे सफाई करा। जी बेजी। ए नन्ही, अच्छी तरह से चंगी तरह तो कर ले। मैं शक्ले जाती थी अपने पुत्र से। यार एक खलो जा नी चीमी, जाके मोतियों की क्यारी में डालना पानी। अच्छा बेजी, जी याद रखें। जी बेजी। चल जी, चल मेरे पुत्र शानी बाबा पिछो। चल ये मुझे दे, हाँ मेरा बच्चा, बैठ के मीठा खा। शानू पुत्र, पता है तुझे लोग मुझे बुरा समझने लग गए। क्यों बेटी, आपने कौन सा ऐसा जुल्म ढाया लोगों पर? पुत्र ये कम जुल्म है कि मैं तेरा ब्याह नहीं होने दे रही। लेकिन वो सब लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं बेटी? वो ये समझ रहे हैं कि अगर तेरा मैंने ब्याह कर दिया, घर में बहू आ गई तो वो तो तुझे मुझसे छीन लेगी ना। वैसे बेटी खुदा की कसम वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप ऐसा खतरा कभी ना मोल लेना। क्यों पुत्र, ये क्या बात हुई? तुझे किसी नजूमी ने कहा ये? मेरी प्यारी भोली बेजी, मेरा दिल तो इस बात से हौल रहा है कि अगर मेरी दुल्हन आ गई और उसने सचमुच मेरे ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर मेरी बेचारी बेजी का क्या होगा? देख शानी पुत्र, ये मजाक नहीं है कोई, ये सच बातें हैं। वो तेरी जो बीजी है ना, वो ही मुझे आज ये सारी बातें सुना रही थी। मैंने भी उसके मुंह पन पन के जवाब दिए हैं। वैसे बेजी हाँ, बहुत गलत बात है। आप अपना हमेशा गुस्सा बीजी पे क्यों उतारती हैं? सोचें अगर चचा जान जिंदा होते तो आप ऐसे करती? बिल्कुल भी नहीं करती। और वो हमेशा सही कहती हैं। हाँ वो बिल्कुल सही कहती हैं। हाँ तो सुन ले मेरे पुत्र, ये सारी बातें जो मैं तुझे कह रही हूँ ना, ये बीजी ने मुझे कही हैं। वही मुझे एहसास दिलाती रहती है कि अब अपने पुत्र को अपने पल्ले से छुड़ा के ना उसका ब्याह कर दे। अच्छा हाँ, ये बीजी ने कहा? हाँ। मैं बीजी से पूछ के आता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, मेरी बात सुन, चाची है तेरी, लड़ाइयाँ होती हैं घर में। जोर से सांस लीजिए। सिगरेट कम पिया करें भाई। ये दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ, दवाइयाँ टाइम से खानी है। अच्छा, और परहेज भी करना है। ये बाहर उस्ताद जी से ले लीजिएगा। जी अब कैसी तबीयत है? अरे आदिल यार बाहर आओ, एक बात सुन। शानी बाबा ऐसी क्या क्यामत आ रही है? यार क्यामत आती तो परवाह नहीं थी, यहाँ तो दुल्हन आ रही है। दुल्हन आ रही है क्या मतलब? अरे तुझे आके मतलब समझाता हूँ, इधर आ। शानी बाबा मेरा पेशेंट, बात क्या कर रहे हैं आप? पेशेंट बात तो सुनो, आओ ना यार प्लीज। क्या है बोलिए। यार बेजी और बीजी इस दफा फिर बहुत सीरियस हुए हैं मेरी शादी करवाने के लिए। मैं इतनी दफा टाल चुका हूँ लेकिन इस दफा लग रहा है एकदम कुछ हो जाएगा। यार प्लीज प्लीज मुझे बचा ले। का आखिर कब तक शानी बाबा? आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? कब तक बचोगे? यार जब तक बच सकता हूँ ना, मैं बचना चाहता हूँ। I want to enjoy my life यार। मैं भी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। Yes. Now what? यार तू एक काम कर, मेरे बदले तू शादी कर ले। दोनों माओं को भी ठंड पड़ जाएगी और मैं भी बच जाऊंगा। यार प्लीज, यार प्लीज 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 आदिल बाबा, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उन खानों और कपड़ों का नहीं जो आपको पसंद नहीं आते थे और आप मेरे सर मंड देते थे। मेरे पास घर भी नहीं है, ये 2 कमरों का घर जिसमें एक में क्लिनिक है और एक में मैं रहता हूँ, और वो भी बेजी का दिया हुआ। घर बसाने के लिए घर का होना भी जरूरी है कि नहीं? आप भी ना बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं। मेरे मरीज बैठे हैं आदिल। इसलिए Bravo. Bravo, my child. This was beautiful. Thank you. Thank you, Mother. What a beautiful composition. तुम चाहो तो म्यूजिक को अपना करियर बना सकती हो। Really, Mother? आपको लगता है मैं इतना गा लेती हूँ? Yes, my child. You were brilliant. Absolutely brilliant. Thank you, Mother. नूरबानो, जब तुम खुश होती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी खुशी होती है, बहुत खुशी। Bless you, my child. Bless you. ये आपकी encouragement ही है, मदर, कि मैं फिर से जीने की हिम्मत कर पाई हूँ। And you know what, mother? मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ। मैं अपने हिस्से की खुशियाँ पाना चाहती हूँ, mother. That's the spirit, my child. That's the spirit. जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। रुकना तो मौत है। अगर सब लोग इसी स्पिरिट से जिंदगी गुजारें तो खुदाबंद भी मदद करते हैं। Yes, my child. खुदा ने औरत को इतना कमजोर क्यों बना दिया, मदर? अपने हिस्से की खुशी पाने के लिए उसे इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है? जिंदगी में जिस चीज़ के लिए भी एफर्ट किया जाए, तकलीफ उठाई जाए, उसको पाने की एक और ही खुशी होती है। और वो खुशी सिर्फ अपनी मिल्कियत होती है, किसी और की नहीं होती। Do you understand, my child? May God bless you, my child. खुदाबंद हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। You're a good girl. Good. अरे मेरे बच्चे, अंदर आ जाओ। क्या बात है बीजी, आज आप दोनों वक्त के खानों पर नहीं आई? खैरियत तो है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस पेट में दर्द था, अब ठीक हूँ। तुम कैसे आए? बीजी, वो खाने के बाद पान, आपके पानदान से खाना होता है ना। 酒。बीजी वो मैं पेजी के रवैये के लिए आपसे माफी मांगने में आया। कैसी बातें करते हो बेटा, मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगती। नहीं पेजी, उनका रवैया आपसे बहुत सख्त है। पेजी मुझे माफ कर देना, प्लीज 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 पेजी प्लीज। अच्छा, अरे मेरा बच्चा तू कब बड़ा होगा, कैसे बच्चों की तरह जिद करता है। चल माफ की। ये हुई ना बात, पान बनाऊं आपके लिए? नहीं, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, एक शर्त पे मिलेगी माफी। प्लीज बेजी, अब ये ना कहना कि शादी कर लो, मेरा शादी का कोई मूड नहीं है। अरे मियाँ, कब तक कवारा रहने का इरादा है ये भी बता दो। बेजी इस बात से मुझे याद आया, आपकी एक भतीजी थी, उसके बारे में आप बहुत परेशान थे, क्या हुआ? कौन आलिया? कुछ नहीं हुआ उस बेचारी का अभी तक। दरअसल मेरी भाभी का रवैया उसके साथ कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि बच्ची अपने घर वाली हो जाती। क्यों, शादी का इरादा है क्या? ओए तौबा करे बीजी, मैं तो ये सोच रहा था कि क्यों ना आलिया की आदिल से शादी करा दें। अरे बेटा, आलिया के तो भाग खुल जाएंगे जो उसे आदिल जैसा बर मिल जाए तो। कितना प्यारा और अच्छा बेटा है मेरा आदिल, पर वो भी तो नहीं मानता तेरी तरह। बीजी उसको मनाना मेरा काम, बस आप अगले हफ्ते लाहौर जाने की तैयारी करें। सच? सच। अरे जुग जुग जी है मेरा बच्चा, मैं कल ही फहीम भाई को फोन कर दूंगी। ठीक है बीजी। सुल्ताना, अल्लाह ज़िंदगी करे शानी पुत्र की, रात को तेरे कमरे में क्या गलबात करने आया था? वो पान खाने आया था भाभी जान, बात तो कोई नहीं थी। झूठ, फिर झूठ। सुल्ताना तू अब मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ सिखाए पढ़ाएगी हैं? और हाँ, वो तो उसके साथ अपनी भतीजी की क्या बातें कर रही थी? भाभी जान आप सुन चुकी हैं, तो अपनी राय भी बता दें कि आदिल और आलिया का रिश्ता कैसा रहेगा। सुल्ताना बड़ा चंगा, बड़ा ही अच्छा रहेगा, पर मैं फिर तुमको कहूँगी कि एक दफ़ा उस निमाने से पूछ लो, क्योंकि वो हम दोनों के आगे ना तो नहीं कर सकता ना। जी भाभी जान, ये मुनासिब रहेगा। हाँ हाँ सुल्ताना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जो मेरे अल्लाह को मंजूर, मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अतिया, 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 आ रही हूँ। हाँ जी, क्या बात है, क्या हुआ? वो सुल्ताना का टेलीफोन आया था, वो लड़के वालों के साथ अगले हफ्ते हमारी आलिया को देखने के लिए आ रही है। शुक्र है फुप्पी को भी भतीजी का ख्याल आया। ये आलिया कहाँ है? यही होगी और कहाँ होगी। आलिया, ओ आलिया। जी चाचा जान। बेटा जरा नीचे आके भाई एक प्याली चाय की तो हमें बना कर दे। बस बस रहने दे, मासी से कह देना वो बना देगी। क्यों, इसे चाय भी बनानी नहीं आती? अपने बच्चियों को तो तूने सारे काम सिखाए। अच्छी तरह पता है तुम्हें, ये उनसे छोटी थी और ऊपर से कुछ सीखती नहीं डफर कहीं की। बस फिल्मों और रिसालों का शौक है नवाबजादी को। हाँ, करीम भाई की इकलौती औलाद है। भाभी ने भी लाड प्यार की वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा भी फर्ज बनता था, तुम्हें कुछ ख्याल कर लेती। अब मैं इसका ख्याल करती या अपनी बेटियों को पालती। बस किस तरह भी हो इसका रिश्ता तय करके तुम यहाँ से इसे चलता करो। जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। हाँ यार, वो याद आया, वो जबरान दुबई से एक नया ट्रैक सूट लेकर आया था। वो तू ले ले यार, मुझे उसका कलर पसंद नहीं है। कभी वो चीज़ देने का भी हौसला कर लिया करो शानी बाबा जो तुम्हें पसंद हो। मैं डॉक्टर हूँ, महंगी ना सही लेकिन नई चीज़ खरीद सकता हूँ। यार वो बेकार पड़ा है, तू खामखा पैसे ज़ाया करेगा। और वैसे भी मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं होती। ओह हेलो हेलो हेलो, हाँ 2 मिनट रुक तो सही यार, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा पूरी बात सुन के फिर रिएक्शन देना है। हाँ अब कौन सी बिल्ली आप थैले में बंद करके ले आए? बिल्ली नहीं, बीवी। अच्छा सुन, इस संडे को हम बीजी की भतीजी का रिश्ता लेने जा रहे हैं, तेरे लिए। अच्छा अगर लड़की पसंद ना आई तो तू ना कर सकता है यार, कोई प्रेशर नहीं है। शानी बाबा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं बीजी को इनकार नहीं कर सकता। पता है ना आपने अच्छा नहीं किया। अरे अच्छा किया या बुरा किया, अब मैंने उन्हें जाने का कह दिया है, ठीक है, दैट्स इट। और मैंने भी जॉगिंग नहीं करनी यार, थक गया हूँ, वापस चल। चारी बाबा सुबह सुबह उठा करें, इतनी दोपहर में जॉगिंग करवाते हैं। यार उठ जाया करूँगा ना, कल से उठ जाऊँगा। पिछले कई सालों से यही बात सुन रहा हूँ मैं। अच्छा कल उठ जाऊँगा, कल पता नहीं कौन सी कल है। लो जी आदिल बाबा, थारे वास्ते गरम गरम रोटी लेकर आई हूँ। चल जाओ, रोटी में साथ डाल के दो, ये भी डाल के देना। आतल पुत्र, डॉक्टर क्या बना तू? अपनी बेजी और बीजी को तो भूल ही गया। अब तो तेरा इंतजार करना पड़ता है कि तूने कब आना है। अरे बेजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में काम में इतनी मसरूफियत है कि वक्त ही नहीं मिलता। ये शानी बाबा नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है? शानी लाहौर गया अपने दोस्तों से मिलने। आदिल बेटा, शानी बता रहा था कि तुम आलिया से शादी करने पर राज़ी हो गए हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादती नहीं होने दूंगी, तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकते हो। आदिल पुत्र, दरअसल बच्ची यतीम है और बहुत कुछ जहेज में नहीं ला सकती, इसलिए सुल्ताना ने सोचा कि बेहतर होगा कि तुझसे पहले बात कर ली जाए। बेजी मैं कौन सा किसी रियासत का वाली हूँ, क्यों शर्मिंदा किए जा रहे हैं मुझे? अब तो मैं तस्वीर भी नहीं देखूँगा। नहीं नहीं बेटा, फिर भी फैसला आपका ही होगा। तो बस फिर ठीक है, शगन के पैसे और मिठाई आप मेरी तरफ से लेकर जाएंगी। अब जिम्मेदारी उठाने की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। क्यों बेटी? नहीं बेटा, वो हम अगली दफा जाएंगे ना फिर ले जाएंगे। मेला, बड़ी आवाजें, बस आपा जी पुराने रहने वाले हैं। ये पुराना शहर है, यहाँ रिश्ते नाते सभी पुराने हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, दूर जाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा आओ बेटा, आओ शाबाश बेटा। भाभी जान आलिया लो भाई, ये तो उधर ये ली। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, इधर मेरे पास। सुल्ताना भाई, तेरी भतीजी तो बड़ी प्यारी है। जी बेजी, बहुत प्यारी है। क्या बेजी, मैंने क्या किया? सुल्ताना सच्ची पूछे तो तेरी भतीजी हमें बड़ी पसंद आई है। शुक्र है आप लोगों को पसंद आ गई। वैसे तो 21 साल की है, मगर घर के कामों में इतनी माहिर नहीं है, सबसे छोटी थी ना। कोई बात नहीं भाभी जान, घर में दो माएँ मौजूद है ना, हम सब कुछ सिखा लेंगे अपनी बच्ची को। भाई साहब, हमारा मुंह बोला बेटा डॉक्टर है, उसकी इतनी जगीरें तो नहीं है, इतनी नाजदादें हैं उसकी, लेकिन वो कमा बड़ा अच्छा लेता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वो बड़ा नेक बच्चा है। आपा जी, जब आप जैसे बड़े लोग बच्चे की ज़मानत दे रहे हैं तो फिर हम लोगों को क्या इतराज़ हो सकता है? फिर हम कब आए आदिल मियाँ को देखने के लिए? भाई साहब, जब आपका दिल चाहे आप आएँ। देखें ना, ये तो नेकी का काम है, ये तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। देखें भाई भाई, आदिल बेटे को मैंने पाला पोसा है, मैं जानती हूँ कि वो हमारा कितना अदब लिहाज करता है। मुझे यकीन है कि वो आंख बंद करके इस रिश्ते को कबूल कर लेगा। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि आपके आने से पहले आदिल बेटा कम से कम आलिया बेटी की तस्वीर एक दफ़ा ज़रूर देख ले। हाँ क्यों नहीं, इसमें हर्जी क्या है? मैं अभी लाई तस्वीर। बड़ी प्यारी है जी, बड़ी प्यारी है। मैं मुझे देर जाके कुछ पीने को ला, बड़ी प्यास है जी। शरबत तैयार है, मैं बस लेकर आई। हाँ हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आदिल का मसला तो हल हुआ ना। अब कोई मेरे शानी पुत्र को भी तो कहना कि अपनी दुल्हन ले आ। ले आएगा भाभी जान, ले आएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? है शानी जी, अगर मेरा दिमाग ठीक तरह काम करता ना तो शायद मैं आदिल से पहले ही ले आता। किसको ले आते? ऐसी ही कोई, या फिर इसी को। साहनी बाबा के लिए ऐसी ही दुल्हन लाना बेजी, ये कह रहे हैं साहनी बाबा, ऐसी ही खूबसूरत। अपने शानी पुत्र के लिए तो मैं दुल्हन किसी बहुत बड़े ख़ानदान, ऊंची हैसियत वालों की सहंदी बहंदी लेके आऊँगी, अपनी टक्कर वाली। छाड़नी चल, जाके बशीर बाबा को कहे आदिल को बुला के लाए, उसको खुशखबरी तो सुनाए कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। बशीर बाबा तो मुंशी जी के साथ जमीनों पर गए हैं, मैं बुला लूं? अपना काम कर तू, पुत्र शानी चल जाना, उसको फ़ोन कर, आदिल को फ़ोन कर। बेजी, अगर ये तस्वीर मैं अपने दोस्त को दिखाने ले जाऊं, आप दोनों का एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज़ होगा, जाओ। शानी पुत्र, तू थक गया, जा जाके अपने कमरे में आराम कर, मैं तुझे अभी बादाम का शरबत भिजवाती हूँ, जा। ओ बेजी, लाहौर मेरा रोज का आना जाना है, थकना कैसा? ये तस्वीर मैं अपने दोस्त को खुद दिखा के लाता हूँ। पानी तो पीते जाओ। बेजी आगे पीता हूँ। आदिल, अरे शानी बाबा, तरन तरन तरन, आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। लाइए दिखाइए क्या है हमारी किस्मत में। पीजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत खूबसूरत है लकी मीना, बहुत क्यूट है। यार ये तो सिर्फ तस्वीर है, अगर तू इसे असल में देखना। मैं तो इसे देखता ही रहा और अपने आप को कोसता भी रहा कि काश मैं बेजी की बात मान जाता, तो आज इसे तू मेरे लिए देखने जा रहा होता। यार ये आज के लिए मैं रख लूं? शानी बाबा, आपको हर चीज का एहसास इतनी देर से क्यों होता है? वैसे तो तू बड़ा कह रहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कैसे उठाऊंगा, तू अपनी बंदूक मेरे कंधे पे रख के चला रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार हाँ, लेकिन ये इतनी वजनी बंदूक भी नहीं है कि मैं इसको उठा ना सकूं। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी उठा लूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यार फिर भी अगर तू कहे तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूं। जीत तो से दी जिनू दे मौला। क्या हाल है शानी बाबू? लगता है फिर मेरे शेर को किसी आजमाइश में डाल दिया। और डॉक्टर पहलवान चाबी दो, क्लिनिक खोलूं जाके। जी उस्ताद जी। ये ठीक है आदिल, फिर ये तस्वीर मैं एक दिन के लिए रख रहा हूँ। ओके आदिल, आई एम सॉरी यार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आलिया से ही शादी करूंगा। यार मैंने एक दो दिन बहुत सोचा है, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई एम इन लव यार।